हे गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारक मेहता शो की जो अभी स्टोरी चल रही है। बेसिकली जेठालाल की दुकान जो बिक चुकी है सुरमा भाई को, उसी के बारे में स्टोरी चल रही है। तो दोस्तों, काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया ऐसा मुझे लगता है, मतलब बहुत ज्यादा खिंच चुकी है ये स्टोरी। और मैंने आपको एक हफ्ते पहले बोला था कि कल के दिन वो पहुंचेंगे सुरमा भाई के घर, जो कि मुझे तब स्ट्रेच लग रही थी स्टोरी, लेकिन वो उस दिन नहीं पहुंचे, बल्कि पूरा एक हफ्ता चला गया सुरमा भाई के घर पहुंचते पहुंचते। तो आप सोच सकते हो कि हमने जितनी सोची थी कि इतनी स्ट्रेच होगी, उससे कितने गुना ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है ये स्टोरी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ये जो भूतनी थी, ये जो सफेद साड़ी में भूतनी आई थी, आखिर इसका क्या राज था। तारक मेहता शो के सभी फैंस भी यही सोच रहे हैं कि ये जो भूतनी आई थी व्हाइट साड़ी में, इसका क्या राज था, क्योंकि वो व्हाइट साड़ी वाली भूतनी सिर्फ और सिर्फ रास्ता बताने के लिए आई थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि क्या उस भूतनी का कुछ राज था, मतलब क्या उस भूतनी का इस सुरमा भाई वाली स्टोरी से कुछ लेना देना था, या फिर वो वैसे ही आई थी। दोस्तों, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जैसे कुछ कुछ कैरेक्टर्स आते रहते हैं, कुछ फनी कैरेक्टर्स आ जाते हैं बीच बीच में हंसाने के लिए, तो उसी तरह से ये भूतनी का कैरेक्टर भी आया था, जो कि आई, प्रसाद दिया और गायब होगी रास्ता बताकर। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि हमको पता है कि तारक मेहता शो कुछ ना कुछ सस्पेंस छोड़ कर जाते हैं हर एपिसोड के बाद। तो ये भी आई थिंक एक सस्पेंस के तौर पर दिखाया गया होगा कि अगले एपिसोड में आखिर ये भूतनी है कौन। तो दोस्तों, आई थिंक उस भूतनी का इस स्टोरी से कुछ भी लेना देना नहीं है, और वो सिर्फ शो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड के लिए थोड़ा सस्पेंस बनाने के लिए था। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या फ्यूचर में, यानी कि आने वाले एपिसोड में जो भी सुरमा भाई के साथ जो भी स्टोरी चलने वाली है, क्या उस स्टोरी में उस व्हाइट साड़ी वाली भूतनी का कुछ सस्पेंस दिखाया जाएगा या नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम चांसेस हैं, और वो सिर्फ एक छोटे से पोर्शन के लिए ही थी। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है कि भूतनी वाली स्टोरीज तारक मेहता में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, जैसा कि आपने पिछले कुछ टाइम में देखा ही होगा। और जब पोपटलाल की दुल्हन वाली स्टोरी शुरू हुई थी, तो तारक मेहता शो को काफ़ी ज़्यादा टीआरपी मिली थी और टॉप 5 में भी आ गया था आई थिंक। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक स्टोरी में एड ऑन था, इसका मेन स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक एड ऑन था स्टोरी में, ये जो भी भूतनी का दिखाया गया था, आपको क्या लगता है, क्या ये मेन स्टोरी से रिलेटेड है, या फिर क्या ये सुरमा भाई की स्टोरी से रिलेटेड है, क्या सुरमा भाई ने इसको भेजा होगा, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकन दोनों को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।